बैगा आदिवासी समाज की शादी की एक अनूठी रस्म। यह शादी बिना दहेज के पूरी होती है। जब लड़की और लड़का बालिग होते हैं तब शादी की जाती है। लड़के के माता पिता दो बाटल दारू लेकर लड़की वाले के घर रिश्ता तय करने जाते हैं। लड़के को तेल और हल्दी लगाते हैं और गांव के बाहर मिट्टी खुदवाने की एक रस्म के लिए लड़के को पीठ पर बिठाकर ले जाते हैं। शादी के एक दिन पहले लड़के वाले की तरफ से समाज के दो मुखिया लड़की वाले के घर दुल्हन का श्रृंगार का सारा सामान जैसे सगाई साड़ी, कलसा, पर्रा, बिजना, चूड़ी, फुंदरी, चप्पल और साथ में तीन टीना दारू लेकर जाते हैं। फिर से लड़की को तेल हल्दी लगाते हैं और कमर में हाथ रखकर लड़की के साथ गांव के लड़कियां और लड़के डांस करते हैं। यह डांस शादी की खुशी में किया जाता है। दूसरी तरफ लड़के के घर लड़के को तेल हल्दी लगाकर नहलाकर बारात जाने की तैयारी होती है। दूल्हा का भाई और दुल्हन का भाई की आपसी में तीन बार लाठी लट लेकर लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद दोनों गले मिलते हैं, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन को तैयार करके मंडप में खड़ा किया जाता है। रस्म में दूल्हा दौड़ कर जाते हैं और दुल्हन को अंगूठी पहनाते लड़की के माता पिता परिवार गांव वाले अपने हैसियत के अनुसार कोदो कुटकी धान 10 रुपये लड़की को देते हैं, 10 रुपये लड़के को देते हैं और सुबह 4-5 बजे विदाई करते हैं। दूसरे दिन लड़की पक्ष से लड़के के घर ले जाते हैं, तब लड़के के घर में टीका करते हैं और शादी समाप्त होता है।